أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم आप देख रहे हैं S48 News HD। आज की ताजा खबरों के साथ मैं हूं मियां फैसल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। खबर है कोट मोमन से, जहां लाहौर सरगोधा रोड पर आए रोज हादसात मामूल बन गए जो हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया हैं। आज दोदा के करीब दो कारें आपस में टकरा गई जिसके नतीजा में दो अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसा जगह जगह गैर कानूनी कट और यू टर्न के बाइस पेश आया। कार नंबर FDV 1450 गैर कानूनी लगे कट पर गाड़ी यू टर्न करते हुए पीछे से आने वाली कार नंबर ACM 074 इससे टकरा गई। ताहम पेट्रोलिंग पुलिस चौकी दोदा के ASI खुरम शहजाद ने अपनी नफरी के हमरा क्विक रिस्पॉन्स करते हुए जख्मियों को फर्स्ट एड दी और रोड क्लियर करवाया, जिस पर आवाम ने ASI खुरम शहजाद की काविशों की तारीफ की और इन्हें और इनकी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ASI खुरम शहजाद ने गाड़ी के दोनों मालकान को मकामी पुलिस थाना लक्सिया के हवाले कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अवाम ने कहा कि गैर कानूनी कट नेशनल हाईवे इंतजामिया की नाअहली का बोलता सबूत है। मजीद उन्होंने कहा कि गैर कानूनी कट के बाईस कीमती जानों का ज़िया हो रहा है जिससे नेशनल हाईवे इंतजामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है। रिपोर्ट मोहम्मद नवीद, S48 News।